ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل ذلالةٍ في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل أجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ايضا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कदफ़ा दफ़ाउद नदीम हर तरह की तारीफ उस अल्लाह रब्लम के लिए लायक और जेबा है जो सारे जहान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राज है सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर ख़ुसूसन आख़री नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मोजजात से नवाजा था और अगर नबी नबीम के मोजजात पर गुफ्तगू की जाए तो कई खुतबे हो सकते हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम मोज़ज़ा था मेराज, जिसको हर कोई जानता है सुनता है आज मेराज के ताल्लुक से कुछ करने की कोशिश करूँगा और इस वाक़े से क्या इबरत और नसीहत हमको मिलती है इस पर भी गुफ्तु की कोशिश करूँगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने की आप हजरात को सुनने और समझने की और हम तमाम को हक बात कबूल करने की और अमल करने की तोफ़ी इनायत फरमाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जो कराई गई इस तल्लक़ से लोगों के दो नज़रियात हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये ख्वाब था आप ने खब में देखा बैतुलमस को देखा जन्नत को देखा जहन्नम को देखा और जो कुछ भी मामला हुआ पूरा ख्वाब में हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराया गया ये जिस्मानी तौर पर था आप बजाते खुद आप जन्नत में गए जहन्नम को देखा और अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई ये जिस्मानी तौर पर हुआ लेकिन सही बात यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मराज कराया गया ये रूहानी और जिस्मानी दोनों था आप ख्वाब की हालत में नहीं थे इसके बहुत सारी दलीलें हैं उन तमाम दलीलों पर गुफ्तगू करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ अलबत एक दलील पेश करता हूँ अल्लाह फरमाया सुबहानलदी असरा बिअब्दिही लईलम मिनल हराम हरा मस्जिदिल मस्जिद अल्लज़ी बारकना नहूल लूरिय मिन आयाति नू उमीब समीउल बसीर हू मिन समीउल बसीर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पाकिज़ा है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सैर कराया मेराज के दो हिस्से हैं एक हिस्सा है मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक का सफ़र इसको शरीयत में इसरा कहा जाता है और दूसरा मस्जिद अक्सा से लेकर के उसके बाद सातवें आसमान तक जाना और उस दरमियान जो बातें हुईं इसको मेराज कहा जाता है तो अगर हम इसको दो हिस्सा करके समझेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी तो ये पहला वाक़ जो चल रहा है ये इसरा का है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई अल्ली बारक न हो, जिसके इर्द गिर्द हमने बड़ी बरकतें दे रखी हैं ले नूरिया मिन आयात ताकि हम अपने बंदे को अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएँ इन नमी बेशक वो सुनने वाला है जा दे, देखने वाला है तो यहाँ अल्लाह ताला ने लफ्ज अब्द का जिक्र किया अब्दुन के माने बंदा जो रूह और जिस्म दोनों पर दलालत करता है अगर अल्लाह तबारक व तौला ने वसल्लम को जिस्मानी तौर पर मेराज ना कराया होता तो अब्द का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी हमने अपने बंदे को ख्वाब में दिखाया लेकिन अब का ज़िक्र करना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर यह सफ़र कराया गया दूसरी बात ये ये चूँकि एक बहुत बड़ा वाकया है कि एक इंसान उस जमाने में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्स अक्सा तक का सफ़र ये चालीस दिन लगते थे लेकिन रात के एक हिस्से में ये सफ़र कराना ये नबीलम के मकाम व मरतबे को बुलंद करना है फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा से लेकर के सातों आसमान की सैर कराना ये दिमाग में आने वाली बात नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स ये सोचे कि हमारे नबी का मकाम इतना ज़्यादा है कि दुनिया में होते हुए आपने जन्नत को देखा जहन्नम को देखा रब से कलाम किया अम्बिया से गुफ्तु की तो कहीं ऐसा ना हो आपके बारे में अकीदा ख़राब हो जाए तो अल्लाह तबार को ताली ने इस वाक़ को बयान करते हुए नबी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अबदही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इतना ऊँचा मकाम हासिल करने के बावजूद भी महम्मद रसोल्ला सल असलम मकाम अबदीत से बाहर नहीं निकले अगर कोई आपको मबूद समझता है अगर कोई आपको रब समझता है अगर कोई आपको मुख्तार कुल समझता है तो ये उसकी गलती है यह उसकी बदाकिदगी है इतना अजीम वाक़ बयान करने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने क्या कहा ही मैंने अपने बंदे को यह सैर कराया है यानी आप अलैहि वसल्लम मकाम अबूदियत से ऊपर नहीं गए ये नुक्ता है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है और ये भी मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये वाक़ हुआ मेराज का और इसरा का इसमें रूह और जिसम दोनों थे जो लोग ये समझते हैं कि रूहानी कराया गया ख्वाब था वो अपने अकीदे की असलाह कर लें अब दूसरा सवाल ये होता है कि ये मेराज कराया कब गया ये वाक़ कब का है इस तल्ल से हाफिज़ इबन हजर रहम ने सही बुखारी की शर बारी के अंदर दस अकवाल नकल किए हैं अगर मैं वो दस अकवाल आपके सामने बयान करूँ तो वक्त ख़त्म हो जाएगा मौलाना रहमान साहब मुबारकपुरी ने अपनी किताब और रहीकुलमखतूम जो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब सीरत में मानी जाती है उसमें छः अकवाल नकल किए हैं तो हाफिज़ इबन हजर और सफ़ी रहमान साहब मुबारकपूरी रहा इन दोनों के अकवाल को इकट्ठा किया जाए तो सोलह अकवाल होते हैं इन सोलह अकवाल पर मैं गुफ्तगु नहीं कर सकता हूँ लेकिन तीन अकवाल उसमें बहुत अहम हैं बस लोगों ने कहा है कि आप सलील वसम को जो महराज कराई गई हिजरत से एक साल पहले रजब के महीने में सत्ताईस तारीख को हुई थी दूसरा कौल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराया गया हिजरत से एक साल पहले रबी अव्वल के महीने में हुआ और तीसरा कौल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराया गया हिजरत से एक साल पहले रमज़ान के महीने में था तो ये तीन वाकयात जो हैं ये ज़्यादा मशहूर हैं एक रमज़ान के महीने में दूसरा रबी अव्वल के महीने में और तीसरा रजब के महीने में लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन तीनों के ताल्लुक़ से भी कोई मुस्तनद रवायत नहीं है इसलिए हम किसी एक को सही और दूसरे को गलत नहीं कह सकते हैं इन तमाम अकवाल को इकट्ठा करने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचे हैं वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराया गया ये बरहक़ है जिसमानी तौर पर हुआ हिजरत से एक साल पहले हुआ बस इतनी बात हमें मालूम है जो हदीसों से साबित है और हमें इसी पर ईमान और अकीदा रखना है और कुरेदने की ज़रूरत नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराने से पहले इसरा से पहले सबसे पहले आपके दिल को पाक किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं सही बुखारी सही मुसलिम की हदीस है कि मैं उम्मे हानी के घर में सोया हुआ था मैंने देखा कि रात का वक्त था मैंने देखा कि छत को फाड़ा गया छत को खोला गया फिर फरिश्ते मेरे पास आए और मुझको उठा के के अंदर ले गए हतीम का जो हिस्सा है वहाँ पर मुझे सुलाया गया मैं गलूदगी की हालत में था ना बहुत ज़्यादा नींद में था और ना जाग ही रहा था गलूदगी की हालत में था यहाँ तक कि सोने का एक तश्त लाया गया और मेरे सीने को चाक किया गया ओपन हार्ट सर्जरी मेरे सीने को फाड़ा गया यहाँ गले से लेकर के नाफ़ के नीचे तक और मेरे दिल को निकाला गया मेरे दिल को सोने के तश्त में रखा गया जमज़म के पानी से धोया गया और वो तश्त हिकमत से और इल्म से भरा हुआ था फिर मेरे दिल को उसकी जगह पर रख दिया गया और मेरे सीने को सी दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऑपरेशन दूसरा ऑपरेशन है इससे पहले जब आप चार साल के थे छोटे बच्चे थे दाई हलीमा के यहाँ थे बकरियाँ चरा रहे थे उस वक्त भी आपका एक बार ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था आपका दिल का ऑपरेशन उससे पहले हो चुका था तो एक चार साल की उम्र में और दूसरा ये चालीस साल की उम्र में दो मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का ऑपरेशन हो चुका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके बाद मेरे सामने एक सवारी लाई गई जिसको बुराक कहा जाता है आपने कैफियत बताई है कि गधे से ज़रा बड़ा और खच्चर से ज़रा छोटा सफ़ेद किस्म की यह सवारी थी अल्लाह के नबी ससम कहते हैं होमिल तो मुझे सवार किया गया मुझे उस पर बैठाया गया चुनानचे मैं बुराख पर बैठा और बुराक की रफ्तार क्या थी हम जहां तक देखते हैं इंसान की निगाह जहां तक पहुंचती है वो बुराक उसकी उ, उसका एक कदम उतनी दूर था उसकी मुसाफत इंसान की निगाह जहाँ तक पहुँचती है उसका एक कदम उतना लंबा था मुहद्दसिन ने बयान किया है कि उस सवारी को बुरा क्यों कहा जाता बर्क माने बिजली ये जो बिजली चलती है ये बहुत तेज होती है बर्क माने बिजली जो बड़ी तेजी के साथ फैलती है इसीलिए उसको बुरा कहा गया कि उसकी रफ्तार बहुत तेज थी बल्कि यह कहा जाए कि बिजली से भी तेज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मुझे बुराक लाया गया जो गधे से ज़रा बड़ा और खच्चर से ज़रा छोटा था उसके बाद मुझे सवार किया गया और कहाँ पहुँचाया गया मकदिस, जो फिलिस्तीन में है हमारे नबी वसल्लम फरमाते हैं मकदिस के बाहर जहाँ अम्बिया कराम अपनी सवारियों को बांधते थे मैंने अपनी सवारी को वहाँ बांध दिया अंदर गया मैंने दो रकात नमाज पढ़ी हमारे नबी ने बैतुलमखदस में दो रकात नमाज पढ़ी है एक और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई दोनों रवायतें सही हैं इब्ने जरीर तबरी ये नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत कराई है और रहमतुल्लाह रहा ने इस हदीस को सही करार दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कि सिर्फ दो रकात नमाज पढ़ी बल्कि तमाम अम्बिया को आपने नमाज पढ़ाई अब सवाल यह पैदा होता है कि जाते वक्त पढ़ाई थी या आने के बाद इस सिलसिले में कोई सही रवायत नहीं मिल सकी है बहरहाल जाते वक्त आपने पढ़ाई हो या आने के बाद पढ़ाई हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में तमाम अम्बिया की इमामत कराई है ये बात सही हदीस से साबित है सही और दुरुस्त है कहते हैं उसके बाद मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया गया कहते हैं सुम्मा ख़रज तो फिर मैं निकला फ़जा अनि जिबरी من बेना इम खमरिन व मैं जैसे ही मस्जिद अक्सा से बाहर निकला मेरे पास हजरत जबरील आए जो दो प्याले लेकर के आए थे एक प्याले में दूध था दूसरे प्याले में शराब था अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फख्तरत तुम लबना मैंने दूध वाले प्याले को उठा लिया फ़काल जबरीलो अखतरत अलफरा हैरत जबरील ने कहा कि आए अल्लाह के रसूल आपने फ़ितरत को अपनाया है सही मुस्लिम की हदीस है आप ने दूध पिया और एक रवायत में है कि आपने अगर शराब का प्याला उठा लिया होता तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती लेकिन आपने फ़ितरत को अपनाया दूध का प्याला उठाया यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के ताल्लुक से इसरा के ताल्लुक से पहली मेहमान नवाजी है उसके बाद यह इसरा का मामला ख़त्म हुआ वहाँ से फिर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और मेराज का वाक़ शुरू होता है सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह के नबी वसल्लम सुन तलक ना फिर हमने वहाँ से कूच किया हम वहाँ से चले हता दुनिया यहाँ तक कि हम निचले वाले आसमान पर पहुँच गए हजरत जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया दरबान ने पूछा कौन कहा मैं जिब्रील हूँ कहा आपके साथ और कौन है कहा मोहम्मद कहा बुलाया गया है कि ऐसे ही आए हैं कहा नहीं बुलाया गया है तो हजरत जबरील अल्लाम की फरमाइश पर आसमान का दरवाजा खोला गया और आप ऊपर गए और वहां के फरिश्तों ने आपका इस्तकबाल किया कबल इसके कि मैं बात बढ़ाऊं यहां मैं बताते चलू कि अल्लाह तबारक वाले ने ऊपर जाने के लिए कितने पहरे मुकर्रर कर रखे हैं हैरत जबरील को भी बगैर परमिशन के ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है आसमान का पहरेदार है जब हैत जबरील ने दरवाज़ा खटखटाया तो पहरेदार ने पूछा कौन जबरील ने अपना नाम बताया कहा तुम्हारे साथ और कौन है कहा मोहम्मद कहाँ बुलाए गए हैं या ऐसे आए कहाँ नहीं बुलाया गया है उसके बाद दरवाज़ा खोला गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी के घर पे जाओ तो डायरेक्ट उसके घर में मत जाओ पहले दरवाज़ा खटखटाओ पहले इजाजत लो अगर इजाजत मिलती है तो अंदर जाओ वरना वापस चले जाओ किसी की इजाज़त के बगैर किसी के घर में जाना ये अखलाकी गिरावट है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है इजाज़त मिले तो जाएं वरना वापस चले जाएं बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरत जबरील के साथ पहले आसमान पर पहुंचते हैं फरिश्तों ने आपका इस्तकबाल किया और वहाँ पर पहले आसमान पर हजरत आदमी सलाम से मुलाकात हुई सलाम दुआ हुआ उसके बाद हज़रत आदम आदमी ने हमारे नबी को बहुत सारी दुआएँ दी यही मामला दूसरे आसमान पर हुआ जहाँ हैत्य यही ईसा से मुलाकात हुई फिर यही मामला तीसरे आसमान पर हुआ जहाँ यूसुफ़ यूसुफ़लीमाम से मुलाकात हुई फिर यही मामला चौथे आसमान पर हुआ जहाँ हजरत इद्रिसम से मुलाकात हुई फिर यही मामला पाँचवें आसमान पर हुआ जहाँ हजरत हारून अलीस्म से मुलाकात हुई फिर यही मामला छठे आसमान पर हुआ जहाँ हजरत मूसा अलीस्म से मुलाकात हुई फिर यही मामला सातवें आसमान पर हुआ हां हजरते इब्राहीम अलैहि सलाम से मुलाकात हुई हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम बैतुल मामूर के पास टेक लगाए हुए बैठे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, सलाम किया हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम ने बहुत सारी दुआएं दी बैतुल मामूर के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह जमीन पर रहने वालों के लिए सबसे मुबारक जगह मक्का मुकर्रमा है और वो बैतुल्ला का हिस्सा है इसी तरीके से आसमान में फरिश्तों के लिए सबसे मुकर्रम जगह वो मामूर है फरिश्ते उसकी ए, इर्द गिर्द जो है तवाफ़ करते रहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मामूर में बैक वक्त सत्तर हज़ार फरिश्ते नमाज पढ़ सकते हैं कितने सत्तर हज़ार आप वसल्लम ने फरमाया कि एक बार जो फरिश्ता अंदर जाता है नमाज पढ़ के निकलता है कयामत तक उसका नंबर नहीं आएगा अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हम में से कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने कई कई बार बैतुल्ला का हज किया उमरा किया जियारत की यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे भाइयों अब फरिश्तों की तादाद आप पता लगा सकते हैं प्यारे नबी ने फरमाया एक बार सत्तर हजार फरिश्ते बैतुलम में दाखिल होते हैं इबादत करके बाहर निकलते हैं क़यामत तक उनका नंबर दोबारा नहीं आएगा इब्राहिम इब्राहीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी दुआएं दी और कहा कि आय अल्ला के रसूल में अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिए और कहिए कि जन्नत की मिट्टी बड़ी जरखेज़ है यहाँ का पानी बड़ा मीठा है अपनी उम्मत से कहिए कि जन्नत चटियल मैदान है अपने अमल के ज़रिए से इंसान अपनी जन्नत को तैयार करता है एक बार कहेगा अल्लाह उसके लिए एक दरख्त लगा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह एक दरख्त लगा दिया जाता है अल्लाह अकबर एक दरख लगा दिया जाता है, जिस कदर अल्लाह की तहमीद, तहलील, तकबीर करता रहेगा उसी कदर उसकी जन्नत को अल्लाह तला संवारता रहेगा मेरे भाइयों अमल से जन्नत संवरती है इसलिए इंसान को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने की जरूरत है तो आपने सातों आसमान का सफर किया और मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात की लोगों ने आपको दुआएँ दी फिर वो आसमान के ऊपर पहुँचे तो वहाँ फिर मेहमान नवाजी यहाँ फिलिस्तीन में दो प्याले पेश किए गए थे वहाँ तीन प्याले पेश किए गए एक दूध का था एक शहद का था और एक शराब का था अल्लाह के नबीम के सामने तीन प्याले पेश किए गए दूध का शहद का शराब का आप सल्लम ने वहाँ भी दूध का प्याला अपनाया है तजरी ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने फितरत को अपनाया है और अगर आपने फितरत को नहीं अपनाया होता तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती यानी अगर आप शराब पी लेते हैर तजरी को अल्लाह के नबी वसल्लम ने वहाँ पर फिर असली शक्ल में देखा ये दूसरी मरतबा है पहली मरतबा कब देखा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक के लिए फ़तरा हो गया था यानी अल्लाह ताला ने वही का सिलसिला बंद कर दिया था प्यारे नबी नबीम फरमाते हैं मैं मैदान में जा रहा था मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो मैंने देखा ज़मीन और आसमान के बीच में एक कुर्सी है अल्लाह अकबर ज़मीन और आसमान के बीच में एक कुर्सी है और उस कुर्सी पर हजरत जिब्रील बैठे हुए हैं ये पहला मौका था जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और दूसरी मर्तबा मेराज के मौका पर छठे सातवें आसमान पर आपने देखा कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमने हजरत जिब्रील को देखा तो उनके 600 पर थे 600 600 पर थे और एक पर में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि ये जमीन को उठाकर पटक सकते हैं आप फरिश्तों की ताकत का अंदाजा लगाएं हैत जबरील के पास सौ पर हैं एक पर में इतनी ताकत है कि अल्लाह का हुक्म हो तो जमीन को उठाकर पटक सकते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा हैत जबरील अलीसला तो उसम को उतनी असली शक्ल में देखा उसके बाद फिर जन्नत की सैर कराई गई कहते हैं सुम्मा उद खिल तुल जन्नता फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया मैंने देखा कि वहाँ उमदा मोतियों के कुबे हैं वहाँ की मिट्टी कस्तूरी है जैसा कि सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की वसल्लम को जन्नत की बहुत सारी नेमतें दिखाई गई फिर आगे बढ़े वसल्लम ने एक नहर देखा और बताया गया कि ये नहरे कौसर है जो आपको अता की जाएगी आप अपनी उम्मत को यहाँ से पानी पिलाएंगे नबी नबीसम फरमाते हैं कि उसके दोनों तरफ सोनों सोने के परनाले थे मैंने देखा मेरी उम्मत की हर आदमी को कौसर का जाम नसीब होगा शिवाय उस शख्स के जो बिदातों में पड़ गया जुड़ान से मशहूर हदीस है अल्लाह के नबीम हौज को पर बैठेंगे नहर कौसर पर बैठेंगे आपके साथीक़ हैत उमर फारूक भी होंगे और वो आपके उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। कहते हैं अचानक मैं देखूंगा कि मेरी उम्मत के कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन फरिश्ते उनको धक्के मार करके ढकेल करके पीछे कर रहे हैं प्यारे नबी कहेंगे आने दो ये मेरे उम्मती हैं फरिश्ते कहेंगे नहीं अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है आपके दुनिया से चले आने के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था बिदावतों में पड़ गए थे प्यारे नबी सल्लाम कहेंगे सोहुकन सोहु कन लेन ऐसे लोगों को के भगा दो जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था अगर हमारी इस मस्जिद में कोई शख्स बैठा है मर्द हो या औरत जो बिदातों में मुबतला है उसको चाहिए कि अभी और इसी वक्त तोबा कर ले इसलिए कि बिदाती की बख्शिश नहीं हो सकती है कुल्ल 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 दीन में नई काम नया काम निकालना नई चीज पैदा करना ये बिदात है बिदात गुमराही है गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है यह मत सोचिए कल करेंगे तोबा कर लीजिए अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है को कौसर का जाम नसीब नहीं होगा इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर किसी के अंदर बिदात है तो उसको चाहिए कि वो तोबा कर ले प्यारे नबी ससलम फरमाते हैं फिर मैं और ऊपर गया सिदरतुल तक पहुंचा आपसे असरम फरमाते हैं मैंने अल्लाह की बहुत सारी नेमतों को देखा यहाँ तक कि उसके आगे गया मैंने क़लम की आवाज़ सुनी कलम की आवाज़ सुनी मुंतहा ये वो मकाम है जहाँ से अल्लाह तबारक व तला के हकाम को फरिश्ते हासिल करते हैं यानी उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं मुंतहा मुंतहा है ये उसके आगे नहीं जा सकते हैं अल्लाह ताली के अकाम मुंतहा से लेते हैं फिर वो फरिश्ते दूसरों की तरफ मुंतकिल करते हैं और दुनिया में अहकाम आते हैं किसी को भी उससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है हमारे नबी स फरमाते हैं मैंने वहाँ पर कलम चलने की आवाज़ सुनी एक आज जो कलम है इसमें तो आवाज़ नहीं होती है पहले ज़माने में वो लकड़ी के कलम होते थे कागज़ पर लिखते थे तो चरचराहट की आवाज़ आती थी वो पहले ज़माने में अल्लाह के नबी सद फरमाते हैं कि मैंने क़लम के लिखने की आवाज़ सुनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीक़े से जन्नत को और बहुत सारे नज़ारे देखे अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को देखा यहाँ अब एक मसला और बताते चलो कि ये जो मामला हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से गुफ्तु की कलम चलने की आवाज़ सुनी तो यहाँ भी लोगों को कुछ लोगों को शकूक व शुबहत हैं कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी वसम ने अल्लाह को देखा है अल्लाह का दीदार किया है और कुछ लोग यही कहते हैं कि नहीं दुनिया की आँखें अल्लाह को नहीं देख सकती इसमें सही अकीदा क्या है हमें हमें कौन सा अकीदा रखना है तो पहले मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह के नबी नबीसम ने अल्लाह को नहीं देखा है और दुनिया के किसी भी इंसान ने अल्लाह को नहीं देखा है क़यामत के दिन मरने के बाद अल्लाह का दीदार होगा सिर्फ वही देख सकेंगे जो लोग मोमिन हैं सिर्फ मोमिन अल्लाह का दीदार कर सकेंगे काफिर और मुशरिक अल्लाह का दीदार नहीं कर पाएंगे जन्नत में जाने के बाद अल्लाह तबार को जन्नतियों से पूछेगा तुम्हें और कुछ नेमत की ज़रूरत है जन्नती कहेंगे अरे अल्लाह तूने हमारे नेक आमाल को कबूल किया तूने हमें जन्नत में दाखिल किया जन्नत की सारी नेमतें हमें मिली अब हमें मज़ीद और क्या चाहिए अल्लाह तबार को अपने सामने से पर्दा हटाएगा जन्नती लोग अल्लाह के चेहरे को देखेंगे तो जन्नत की सारी नमतें भूल जाएँगे प्यारे नबी ने फरमाया तुम अल्लाह को उसी तरह देखोगे जैसे तुम चौदहवीं रात के चांद को देखते हो तुम्हें देखने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है और आपस में किसी तरह की कोई मुजाहमत नहीं होती है जो जहाँ रहता है वहीं से देख लेता है अल्लाह तबारक तआला की दीदार के लिए जन्नत में बाज़ार लगाए जाएंगे प्यारे नबी सम फरमाते हैं हफ्ते में एक बाजार होगा और बाजार के दिन अल्लाह तबारक वाले लोगों के सामने आएगा जन्नती लोग अल्लाह का दीदार करने जाएंगे और उनके हसन और खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा जन्नत में जाने वाले तो सारे लोग हसीन और खूबसूरत होंगे लेकिन अल्लाह को देखने के बाद उनके हसन और ख़ूबसूरती और फराहत और अम्बसात में और ज़्यादा खुशी आ जाएगी और ज़्यादा हसन और ख़ूबसूरती बढ़ जाएगी प्यारे नबी वसल्लम ने वहाँ पर अल्लाह को नहीं देखा हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह कहती हैं कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि मेराज की रात में अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला को देखा है तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार किया नबी की शरीयत का इनकार किया अल्लाह को अल्लाह के, अल्ला के नबी ने नहीं देखा है इसी तरीके से अल्लाह तरमायाल्ला तुदरी को अबसार दुनिया की निगाहें उसको नहीं देख सकती हैं वह हुआ युद्री अबसार वो निगाहों को उचक लेता है वह हुआ खबीर, वो बारीक भी है ख़बर वाला है ख़बर रखने वाला है मालूम ये हुआ कि दुनिया की आँखों में इतनी ताकत नहीं है कि रब की तजली को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के अल्लाह का चेहरा और उसका उसका नूर इतना नूर है कि हमारी आँखें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है हमारी आँखें तो इतनी कमजोर हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा रोशनी देखते हैं तो हमारी आँखें चौंधिया जाती हैं और हम बंद कर लेते हैं और गर्मियों के महीने में सूरज की तपिश को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो अल्लाह जिसके नूर से पूरी दुनिया मुनवर है अगर हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह के उस नूर को देख लेंगे उस चेहरे को देख लेंगे तो ये हमारी खाम ख्याली है दुनिया की निगाहें अल्लाह के चेहरे को नहीं देख सकती हैं है तो मूसा सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की थी कि आए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ और मेरी कौम है जो ये कहती है कि हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को नहीं देख लेंगे लन्न मिना अल्लाह जहरतन हम तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम रब को अपनी निगाहों से ना देख लें अल्लाह ताला ने कहा नहीं लन तर तुम मुझे नहीं देख सकते हो सलाम ने जिद की कहा अच्छा तूर पहाड़ की तरफ देखो रब की तजल्ली आई रब का अक्स आया अल्लाह के चेहरे के नूर की एक तजल्ली जो कोहे तूर पर आई मूसा इस्लाम उस तजल्ली को नहीं बर्दाश्त कर सके फखर मूसा सईका मूसा इस्लाम लड़खड़ा के गिर पड़े रब की तजल्ली को नहीं बर्दाश्त कर सके तो रब का चेहरा क्या देख पाएंगे मेरे भाइयों इसलिए अपने अकीदे की इस्लाह कर ले दुनिया में होते हुए दुनिया की आंखें रब को नहीं देख सकती हैं ये सिर्फ कयामत के दिन जन्नत में जन्नतियों को और ईमान वालों को नसीब होगा दूसरे लोग वहां भी रब को नहीं देख पाएंगे तोहफे मेराज क्या है प्यारे नबी ससरम फरमाते हैं फाउ अजाजमा अल्लाह ताला ने जो मुझे वही करना था वही किया व फारजा अलया खमसना सलातन फी कुल्ल यमिन बुखारी मुस्लिम की हदीस है अल्लाह ताला ने एक दिन में एक रात में पचास वक्त की नमाज को फर्ज किया यह असल में राज का तोहफा है एक दिन और एक रात में पचास वक्त की नमाज़ को फ़र्ज़ किया सही बुखारी सही मुस्लिम की प्यारे नबी वसल्लम वापस आए हैत मूसा से मुलाकात की मूसा इस्लाम ने कहा अल्लाह के रसूल वापस जाइए अल्लाह से इल्तिजा कीजिए कुछ कम कर दें अल्लाह के नबी वसल्लम वापस गए अल्लाह से कहा किए अल्लाह कुछ कम कर दीजिए मेरी उम्मत पचास वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ सकती है अल्लाह ने कम किया फिर गए फिर आए फिर गए फिर आए कई बार आना जाना हुआ यहां तक कि अल्लाह तबारक तआला ने पचास वक्त की नमाज को कम करके कितना कर दिया पांच वक्त की नमाज कर दिया पांच वक्त की अल्लाह का कितना बड़ा एहसान आज पांच वक्त की नमाज कोई नहीं पढ़ना चाहता आज पांच वक्त की नमाज हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है पचास वक्त की नमाज़ हम कैसे पढ़ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह ने पचास वक्त की नमाज़ को मुख्तसर करके पांच वक्त की कर दिया फिर अल्लाह तबारक तआला ने मेरे पास वही वह की कि आए अल्लाह के रसूल मैंने नमाजों की तादाद गर्चे कम कर दी है गौर से सुनो मेरे भाइयों मैंने नमाजों की तादाद अगरचे कम कर दी है लेकिन मैंने सवाब में कमी नहीं की है आपकी उम्मत पांच वक्त की नमाज पढ़ेगी लेकिन सवाब उनको पचास वक्त का मिलेगा अल्लाह हम अल्लाह के कितने अहसानात को भुलाएंगे हम अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करेंगे नमाज पढ़ते हैं पांच वक्त और सवाब मिलता है पचास वक्त का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के ऊपर एहसान किया पचास वक्त की नमाज को मुख्तसर करके पाँच वक्त कर दिया लेकिन सवाब में कमी नहीं की यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है प्यारे नबी ससरम फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे ऊपर मेरी उम्मत के ऊपर एक और एहसान किया अगर कोई नेकी का इरादा करता है तो नेकी का इरादा करते ही उसको कितना सवाब मिल जाता है एक सवाब नेकी का इरादा करते ही अगर वो नेकी कर लिया तो सवाब कितना मिलता है दस मिलता है अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है नेकी का इरादा करना भी सवाब है और नेकी करना दस सवाब है अल्लाह ने एहसान किया गुनाह का कोई इरादा करता है अल्लाह ताला उसको गुनाह नहीं देता है और जब गुनाह कर लेता है तो सिर्फ एक गुनाह देता है मेरे भाइयों सिर्फ एक इस, इस हदीस का हम शुक्रिया पूरी जिंदगी नहीं अदा कर सकते हैं नेकी का इरादा करना एक सवाब मिल जाना नेकी कर लेना मिलना, गुनाह का इरादा करना गुनाह ना मिलना गुनाह का कर लेना सिर्फ एक गुनाह मिलना इस एक एहसान का बदला पूरी जिंदगी हम नहीं अदा कर सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अल्लाह तबारक ताला ने मुझे तीन इनाम से नवाजा तीन इनाम से अल्लाह के नबी ससलम फरमाया पांच वक्त की नमाजें मेराज का तोहफा क्या है पांच वक्त की नमाज़ें नमाज़ पढ़ेंगे पांच वक्त की सवाब मिलेगा पचास वक्त का दूसरा सूर्य बकरा की आखिरी आयतें आमनर रसूल बमा उज़िला मिल रब ही प्यारे नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी सोने से पहले इन दो आयतों को पढ़ लेता है तो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं वो तहज्द नहीं पढ़ सका वो दुआ नहीं कर सका वो कोई और इबादत नहीं कर सका ये दोनों आयतें पढ़ने की वजह से पूरी रात उसको इबादत का सवाब मिलता है आमन रसुल बमा उजिला इलेही मब ही वलमो दो आयतें हैं हर एक को पढ़ना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसके जानो माल की हिफाजत करता है और तीसरी चीज प्यारे नबी सस ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ये भी इनाम दिया ये भी एहसान किया कि आपकी उम्मत अगर शिर्क नहीं करेगी शिर्क नहीं करेगी तो उसके बड़े-बड़े गुनाह भी हम माफ कर देंगे ये अल्लाह के एहसानात हैं इन एहसानात का बदला हम कभी नहीं चुका सकते हैं मेरे भाइयों बहुत सारे लोग मेराज को तो याद करते हैं लेकिन मेराज में जो तोहफे मिले हैं और मेराज का जो पैगाम है वो लोग भूले हुए हैं हमें चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्ला वसम के इस वाक़े से क्या इबरत और नसीहत हमें मिली है उसको पूरी करने की कोशिश करें नमाज़ी बनें पंज वक्ता नमाज़ों का अहतमाम करें यही मेराज का तोहफा है पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे पचास वक्त का स्वब मिलेगा हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हरब्आलमीन हम तमाम लोगों को नमाजों का अहतमाम करने की तोफ़ी नायात फरमाएं पंज वक्ता नमाज जमात की पाबंदी के साथ मस्जिद में आकर के अल्लाह हम सबको पढ़ने की तोफ़ीक नायत फरमाए और दूसरा तहफा जो है अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया सूर् बकरा की आखिरी आयतें हमें अल्लाह इसका भी एहतमाम करने की तोफीक नायत फरमाए और तीसरा इनाम जो है कि अल्लाह तबारक वाली ने नबी ससरम की उम्मत के लिए कहा कि अगर शिरक से बचेंगे तो उनके बड़े बड़े गुनाहों को भी हम माफ़ कर देंगे मेरे भाइयों अपने आप को भी शिरक से बचाएं अपने दोस्त अहबाब को अपने घर वालों को भी शिरक से बचाएं यही अहल हदीस की दावत है यही अहल हदीस का पैगाम है यही हमारा इम्तियाज़ है कि हम जब भी गुफगु करते हैं तोहीद के तल्ल से करते हैं हमारी गुफ्तु जो होती है वो शिरक के ख़िलाफ़ होती है मेरे भाइयों उम्मत का हर फर्द हदीस का हर नौजवान अपनी जिम्मेदारी समझ ले कि हमको ख़ुद तोहद पर अमल करना है और लोगों को तोहद की दावत देना है लोगों को शिरक से बचाना है और अपने आप को भी शिरक से बचाना है यही कामयाबी है और यही कामयाबी हमें दुनिया और आखरत दोनों जगह सुरखरू करने वाली है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तौर हम तमाम को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए नबी की सुनतों पर अमल करने की तोफ़ी नायत फ़रमाए विदात ख़ुराफ़ाँ से अल्लाम सब की हफाजत फरमाए अकुल कौलिहाजा वस्तफ फिर वलख ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم